क्या आपने भी महसूस किया है 30 इयर्स के बाद हमारे हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, इसके साथ साथ मांसपेशियों में दर्द होना लगता है और हमारे शरीर में वीकनेस जैसी फीलिंग आने लगती है। 30 इयर्स के बाद ही ये सारे चेंजेस, ये सारी तकलीफें हमें क्यों होती है? तो आयुर्वेद के अनुसार 30 इयर्स के बाद हमारे शरीर में वात दोष बढ़ने लगता है और यही वात दोष हमारे हड्डियों को सुखा देता है और जिस वजह से हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है, हड्डियों में दर्द महसूस होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस 30 इयर्स तक हमारे बॉडी में एक बोन पीक मास होता है जिससे कि हमारे हड्डियों में स्ट्रेंथ 30 इयर्स तक मेंटेन रहती है और ये मेंटेनेंस हम किस प्रकार से 30 इयर्स तक लाइफस्टाइल रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। 30 इयर्स तक हमारे बोन के स्ट्रेंथ का रिजर्वायर क्या है उसी के अनुसार 30 इयर्स के बाद जब हमारे शरीर में डीजनरेशन स्टार्ट होगा तो हड्डियों का दर्द होने वाला है या नहीं होने वाला है ये डिपेंड करता है। तो आपको भी 30 इयर्स होने के बाद आपके शरीर के हड्डियों के दर्द को कम रखना है, प्रिवेंट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हड्डियों के दर्द को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और वो भी होम रेमेडीज के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं कि हड्डियों के और जोड़ों के दर्द को एक ही समझते हैं। हड्डियों का दर्द मतलब लॉन्ग बोन्स का दर्द, और ये हड्डियों का दर्द हमें कम रखना है तो हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका विटामिन डी लेवल। हमें डेली बेसिस पर 1000 मिलीग्राम ऑफ विटामिन डी जरूरी होता है जिससे कि हमारे बोन्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छी तरह से हो सके। हमारे बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट नाम के जो सेल्स होते हैं वही हमारे बोन के स्ट्रेंथ को मेंटेन रखती है और उसीलिए उनको विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। अब ये विटामिन डी के सोर्सेस क्या होते हैं? ये विटामिन डी हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट्स में, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं, लेकिन ये जो क्वांटिटी होती है ये काफी नेग्लिजिबल होती है जिससे कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, और उसीलिए विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स कहा जाता है सनलाइट को। तो ये सनलाइट में हम अगर केवल 30 मिनट या उससे भी ज्यादा समय तक बैठते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस होना चालू हो जाता है। लोगों में अक्सर मिथ है कि सनलाइट से विटामिन डी आता है और हमारे स्किन में वो एब्जॉर्ब होने लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे स्किन में कोलेकैल्सिफेरॉल नाम का एंजाइम होता है जो सनलाइट के माध्यम से एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी हमारे शरीर में सिंथेसाइज होने लगता है। तो ये सनलाइट जो है ये दोपहर के 12 बजे के सनलाइट में आपको बैठना नहीं है, तो सुबह से 6 से 9 का सनलाइट या शाम को 4 से 6 का जो सनलाइट होता है, जो ऑरेंज कलर का सनलाइट है, ऐसे सनलाइट में अगर हम बैठते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी अच्छी मात्रा में बनता है और यही विटामिन डी हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस अच्छी तरह से करता है और हड्डियों की हेल्थ को अच्छा रखता है। हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए सेकेंड रेमेडी है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। हमें डेली बेसिस पे कैल्शियम भी शरीर को बहुत रिक्वायर होता है, लेकिन जब तक आपके शरीर में सफिशियंट अमाउंट में विटामिन डी नहीं होगा तब तक कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता। चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर सुरेश ने कोई पिकनिक प्लान की है उसके 4 दोस्तों के साथ और वो सब प्लानिंग होने के बाद सुरेश अचानक कुछ कारण के वजह उसको कैंसिल कर देता है और वो चारों दोस्तों को बोलता है कि आप जाओ वो पिकनिक मना कर आओ, तो वो चारों दोस्त भी कैंसिल कर देते हैं। चारों दोस्त बोलते हैं जब तक सुरेश नहीं आएगा तब तक हम पिकनिक को नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में भले ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लेट से खाने से हमें मिलते भी होंगे, लेकिन हमारे शरीर में अगर विटामिन डी अच्छी मात्रा में नहीं होगा तो ये कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी का जरूरी है। विटामिन डी जितना अच्छी मात्रा में होगा उतना ही कैल्शियम हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कैल्शियम के क्या डाइटरी सोर्सेस है? तो कैल्शियम आपको मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में अच्छी तरह से मिल जाता है, मखाना में अच्छी तरह से मिल जाता है, चना है, दाल है, नट्स है, रागी में बहुत अच्छी तरह से कैल्शियम होता है। इस रागी की आप भाकरी बना सकते हो या उसके लड्डू बनाकर आप खा सकते हो, या बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज फूड में भी काफी अच्छा मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम का रेगुलरली अगर हम सेवन करते हैं तो हड्डियां और उसके साथ साथ हम जॉइंट्स के हेल्थ को बहुत अच्छे रख सकते हैं। हड्डियों की हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमें तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है प्रोटीन्स।
जिस तरह से कोई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो उसमें सीमेंट, उसके साथ साथ उसमें रेती और उसके साथ साथ उसका प्लास्टर कितना मजबूत है उसके ऊपर ही उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड होती है। उसी तरह से अगर हमारा जो स्केलेटन है वो हेल्दी होने के लिए हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन्स भी उतने ही हेल्दी होना जरूरी होता है। एक हड्डी जो होता है वो हमारे शरीर को खड़ा रहने में मदद करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, वो उनको स्टेडीनेस देने का काम करते हैं। और इन मसल्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को जरूरत होती है प्रोटीन्स की। अगर हम प्रोटीन्स रेगुलर डोसेस में नॉनवेज फूड से ले सकते हैं, दाल से ले सकते हैं, स्प्राउटेड फूड से ले सकते हैं, और हम रेगुलरली अगर इसको लेते हैं तो इनका भी हेल्थ अच्छा रहता है, डायरेक्टली हमारे हड्डियों का हेल्थ भी अच्छा हो जाता है। तो हड्डियों की हेल्थ के लिए विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन्स जितने भी सारे सोर्सेस है वो हमें हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। हम रेगुलरली अगर इसका प्रयोग करते हैं तो हड्डियों की हेल्थ हम अच्छी रख सकते हैं। लेकिन हड्डियों की हेल्थ किन किन कारणों की वजह से कम हो जाती है या हड्डियां कमजोर किस चीजों से होती है ये भी हमें पता रहना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलरली स्मोकिंग करते हो तो वो आपको स्टॉप करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन से भी हड्डियां कमजोर हो जाती है। उसके साथ साथ आपका मेंटल स्ट्रेस अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो उससे भी हड्डियों पर असर हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर हम कम रखते हैं, उसके साथ साथ स्टेरॉइड, सोडा, सॉल्ट और शुगर जैसी हानिकारक पदार्थों का हम कम मात्रा में सेवन करते हैं तो हड्डियों की हेल्थ हम अच्छी रख सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना। आपको भी आपकी हड्डियों का हेल्थ और जॉइंट्स का हेल्थ इंप्रूव कराना हो, उसके बारे में किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।